الحمد لله رب العالمين سبحان الله ولا عاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسول الكريم الأمين وعلى سبحان الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا صدق الله مولانا العظيم درود شریف بابا بلند سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا یہ عظیم شان اجتماع صلاۃان رسول زینت محافظ آل سنت جناب حاجی صوفی محمد اکرم صاحب دامت برکات القدسیہ کی محبت پہ ان کے رفقا کے تعاون سے اس عظیم شان جامع مسجد میں سرکار کے معراج پاک کے عنوان پہ موجود ہے. پروگرام کافی دیر سے شروع ہے اور آپ حضرات نے مجھ گناہگار سے پہلے سرکار کے سناخانوں سے سرکار کی محبت میں ڈوبی ہوئی نعتیں بھی سنی. علیم صاحبزادہ محمد عثمان غنی صاحب نے گلے کی خرابی کے باوجود سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان میں محبت بھری باتیں آپ کو سنائیں. عاشق رسول جناب حاجی نگر محمد صاحب نے بھی مختصر مگر انتہائی قیمتی گفتگو کی. سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ بڑے جذبے کے ساتھ ہر پروگرام میں شرکت فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کا یہ جذبہ یہ محبت اسلام دوستی سرکار کے ساتھ والا ہونا عقیدت اپنی بارگاہ میں اپنے محبوب کریم کی بارگاہ میں شرف و قبولیت سے نوازے.
और हमारी इस हाजरी को अल्लाह ताला हमारी निजात का सबब बनाए। जलसा हो रहा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज बाब के उन्वान पर। अगर तेज मजमून पे मैंने मुख्तलिफ मकामात पे बहुत कुछ कहा है, मगर बात वही है कि तेरे औसाफ का एक बाप भी पूरा न हुआ। सरकार की शान का कोई पहलू हो, हजूर की अजमत का कोई उन्वान हो, उस पर महीनों बात की जा सकती है। इसलिए कि जिसकी महफिल है अल्लाह ताला ने उसकी शान की हाथी को ही नहीं रखी। हजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन ख्वाजा मोहम्मद कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह से किसी ने कहा, हजरत जी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान की हद क्या है? फरमाया कैसा बेवकूफ है तू सवाल करने वाले, वो जिसकी हद को जबरील नहीं जान सके कमरुद्दीन कौन है जानने वाला? जिसकी हद का जिब्राइल को भी पता नहीं वो भी सिदरा पे रोक गया। आका मैं आगे नहीं जा सकता, ये सिदरातुल मुंतहा है, जाए इंतहा 14 तबक कायनात का बॉर्डर। क्या मतलब? सिदरा वो जगह है कि नीचे का रहने वाला उससे ऊपर नहीं जा सकता, उससे ऊपर वही जा सकता है जो रहने वाला भी ऊपर गई हो। महान अल्लाह। फरमाया मैं क्या बताऊं हजूर की शान की हद क्या है। कुछ लोग कहते हैं सुन्नी लोग शान बयान करते हजूर की हद से बढ़ जाते हैं, मैं कहता हूं जरा मिलकर मुझे हद दिखा दो। अल्लाह अल्लाह। तुम हद बता दो हम बने तो हम मुजरिम, और जिसकी शान की हद ही कोई नहीं। अल्लाह ताला ने फरमाया बारा फाना का जिक्र ए हबीब हमने आपके लिए आपका जिक्र बुलंद कर दिया आपके वास्ते। वारा फाना का जिक्र कमली वाले हमने आपका जिक्र आपके लिए बुलंद किया, और कोई खास नहीं थी इसलिए बुलंद किया कि तू खुश हो जाए। हमारा फाना जिक्र नहीं लाका जिक्र माना सुभानअल्लाह। ये जहां लाका आता है तेरी खातिर तेरे वास्ते सुभानअल्लाह, ताकि तेरे चेहरे पे मुस्कुराहटें बिखर जाए, ताकि बदुहा के मुख वाला महबूब खुश हो जाए। मारा फाना लाका जिक्र हमने बुलंद किया तेरी खातिर किया तेरे जिक्र को किया। सुभानअल्लाह। या अल्लाह कितना बुलंद किया, फरमाया बर्बाद दे दिया और इतना बुलंद कर दिया। वनल आखिरा तो खैर लाका मिनल वक्त गुजरता जाएगा तेरी पगड़ी का शमला ऊंचा ही होता जाएगा। वल्ला खेरा तो खैरुल्ला का मिनल उला। और आने वाली कड़ी पहले से बढ़ कर देख लो, पहले पहले हमारे बड़े सगीर पाक व हिंद में कुश्ता इश्क मुस्तफा आला हजरत इमाम आले सुन्नत मुजद्दिदीन मिल्लत मौलाना शाह अहमद रज़ा खान फाज़िले बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बरेली शरीफ में मिलाद का जुलूस निकाला।
مشہور پڑ گیا پورے ہندوستان میں, مشرک بدعتی, یہ جلوس نکالنے والے سب مشرک ہو گئے, بدعتی ہو گئے, ہر طرف سے فتووں کی بارش شروع ہو گئی, اخباریں بھر گئی, اشتہار لکھے گئے, مدارس بنا دیے گئے. بزرگوں نے سوچا ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا, پہلے تو یہ تھا کہ اس کے بعد یہ جلوس نہ نکلنا. اللہ نے فرمایا میں نے یار سے وعدہ کیا ہے آنے والی گھڑی پہلے سے بہتر آئے گی, بریلی میں جلوس نکلا ہے اتنا شور مچا ہے آئندہ دہلی میں بھی نکلے گا. فرمایا اچھا کلکتے میں بھی نکل دو, یہ جتنے فتوے تھے اتنا جلوس نکالو تاکہ یار سے کیا وعدہ پورا ہو جائے. بریلی کے تاجدار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, پگڑی اتاری, گلے میں ڈالی, مدینہ کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں سیدی یا رسول اللہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے, مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے, پر نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چل جا تیرا. نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چل جا تیرا. یہ فتوی لگانے والے لگاتے رہے, کتابیں لکھتے رہے, مدارس بناتے رہے, آوازیں نکالتے رہے, پر اللہ نے تجھ سے وعدہ کیا ہے تو گھٹا ایسے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے, تو گھٹا ایسے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے, جب پڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا. کہتے ہیں جسے اللہ رکھے اسے پہنچے, بند کر لو جلوس بند, جلسے بند, گیارہویں بند. اللہ نے کہا اسرائیل ان مولویوں کی روح نکال کے انہیں قبروں میں بند کر دو, یار کا ذکر بلند کر دو. اللہ کہتا ہے بلند کیا, ملا کہتا ہے بند کیا. اعلی حضرت فرماتے ہیں انہیں عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے. ارے ٹکر کس سے لے رہے ہو, حبیب کے ذکر کا تو وہ خود معاف ہے, اللہ خود معاف ہے. عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے, یہ گدائے اسے منظور بنانا تیرا. علامہ رحاوی رحمت اللہ علیہ نے جامع الموضوعات میں لکھا ہے کہ ایک یہودی نے تورات کھلواب کا وقت تھا لوراب کا رہا تھا, اس نے تورات کی تختی پہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا لگا تھا, حضور کا نام لکھا ہوا تختی پہ لکھا, جل گیا, حضور کا نام پسند نہ آیا, اس نے چھری لی اور تختی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نام نکالا, اسے کھوج دیا, مٹا دیا, خوش ہو گیا, چلو میں نے مٹا دیا. دوسری رات کو جب اس نے کتاب کھولی نا تو دس جگہ پہ نام لکھا ہوا, سبحان اللہ. وہ کہنے لگا بھائی رات میں مٹا رہا آتا, ہو سکتا ہے کوئی عاشق دیکھ رہا ہو اور میری عدم موجودگی میں اس نے آ کر مجھے جلانے کے لیے دس مرتبہ لکھ دیا, وہ دس جگہ سے اس نے مٹایا اور کہنے لگا آج رات کو پہرا دوں گا, دیکھوں گا کون لکھتا ہے.
अल्लाह अकबर। बिस्तर में मुंह छुपा के लेट गए और आंख किताब की तरफ सामने कौन आता है, ये कौन आकर लिखता है। अल्लाह अकल होती तो खुदा से मिल जाएगी। अल्लाह अकबर। सारी रात जागता रहा, कहने लगा चलो आज किसी को नहीं मौका मिला। मैंने रात को मिटा दिया था, जब सुबह किताब खोली तो 20 मरतबा लिखे। हैरान हो गया, आया भी कोई नहीं, लिखने वाला कौन है, छुरी ली, इमाम लंबिया का नाम मिटाना था, कुदरत की आवाज आई, ओ बदबख्त मान ना मान तेरी मर्जी, ये प्यार का नाम है मिटने वाला नहीं है। अकल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, और ये घटाए उसे मंजूर कराना तेरा। अल्लाह ताला ने अपने अजीब से वादा किया है, हर आने वाली कड़ी पहले वाली पहली कड़ी से बेहतर है। और यही वजह है कि आपके हर साल के प्रोग्राम पहले से ज्यादा, हर दिन की महफिल पहले से ज्यादा जज्बाती है। अल्लाह ने अपने अजीब से जो वादा किया है ना, उसे निभा रहा है। तो आज का ये प्रोग्राम सरकार के मेराज के हवाले से है, और मैंने वो आयत करीमा तिलावत की है जो मेरे अजीज ने आपके सामने पढ़ी। अल्लाह ताला ने औलाद आदम से खिताब किया, नस्ल इंसानी से, इसमें काफिर भी, फासिक भी, मोमिन भी, मुनाफिक भी, सब कुछ है। अल्लाह फरमाता है या यूहन्नास ऐ लोगों, कब जाकुम बुरहान मिन रब्बिकुम, बेशक तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से दलील आई। सुभान अल्लाह। और दूसरा मानो तुम्हारे पास रब की तरफ से बोल जाए। नबी करीम को अल्लाह ने दलील भी कहा और मौजदा भी कहा। मैंने पहले भी किसी महफिल में अर्ज किया था कि सारे नबी ये अल्लाह ताला की तरफ से मौजदे ले के आए, मगर हमारे नबी खुद मौजदा करते। बोलो हमारे नबी खुद मौजदा। अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, सुनिए, अल्लाह ताला फरमाता है, लक़द आतैना मूसा तिस आयातिन बय्यिनात। अल्लाह फरमाता है हमने मूसा अलैहि सलाम को 9 निशानियां देकर भेजा। मूसा अलैहि सलाम 9 निशानियां लेकर आए। कितनी निशानी है? 9। हाथ में असा, जमीन पे डालते हैं सांप बन जाते हैं, उठाते हैं फिर असा, पत्थर पे मारते हैं तो पत्थर से पानी के 12 चश्मे। और वो ही पानी पे मारते हैं तो पानी पत्थर बन जाता है। ईमान से बताएं, ये बंदे का कमाल है या बंदे का कमाल है? बंदे का, बंदे का, बंदे का। ये बंदे का कमाल नहीं, बंदे वाले, ये बंदे वाले का कमाल है। ये साहब का कमाल। ईसा अलैहि सलाम मुर्दे जिंदा करते थे ना, हाथ में लाठी होती थी, मुर्दे को मारना और कहना कम भेज देना, वो खड़े रहते। एक आदमी ने देखा, उसने कहा ये तो लाठी बड़ी कमाल की है, मुर्दे जिंदा करती है। कहने लगा जी मैं आपके साथ रहना चाहता हूं। आपने फरमाया बिस्मिल्लाह। वो बड़ा अकीदत मंद बन के पैर दबाए, आपको वजू कराए, साथ साथ बाद मरतबा ज्यादा आज तुम वाले एक करते आप सो गए। उसने कहा कि आप आराम करें, डंडा लिया दौड़ गया। कह लगा हम अपनी पीढ़ी चलाएंगे, ये तो डंडा बड़े कमाल,
दौड़ा और एक गांव में पहुंचा, वहां लोग परेशान खड़े थे, कहने लगा क्यों परेशान हो? उन्होंने कहा कि हमारा जो सरदार है ना बादशाह, वो सख्त बीमार है। और टीमों ने जवाब दे दिया है मौतुल करीब है। उसने कहा भाई वाह भाई हमारे होते हैं परेशान हो, मुझे ले जाओ मैं अभी ठीक कर लूं। उन्होंने कहा भाई ये कोई अल्लाह की रहमत का फरिश्ता है, हमारा बादशाह बन जाएगा। उसे ले गए, जब वो बादशाह के करीब पहुंचा उसने सोचा ये बीमार है, अगर बीमार को ठीक किया तो इतना लुत्फ नहीं आएगा जितना मुर्दे को जिंदा करने से आएगा। पहले डंडा मार के इसे मारू वो वही बीमार था, आगे मौत करीब था, उसने मारा घर में डंडा जोर से मर गया। उन्होंने कहा मैंने तू हमारे बादशाह को मार दिया, हो सकता है बन जाता। उसने कहा ठहरो अभी जिंदा कर देता हूं। अरे कमाल है, वो मारे बंदे कहे पंगे जिंदा कितने बोलिए। अब वो तो जिंदा होने वाला नहीं था, उन्होंने उसे पकड़ लिया और मार मार के उसे मौतुल करीब कर दिया। ईसा अलैहि सलाम की आंख खुली, भाई वो मुरीद किधर गया, वो साथी वो वजू कराने वाला किधर गया? अच्छा डंडा भी कोई नहीं, मगर ये अल्लाह वाले बड़े लंबा लगते हैं। चल पड़े उस गांव में पहुंचे, देखा चौक में बड़ी भीड़ है, लोग उसे मार रहे हैं। आपने फरमाया मेरे यार को ना मारो। उन्होंने कहा अच्छा आप भी इसके साथी हैं, हमारा बादशाह इसने मारा है, फरमाया जिंदा कर देते हैं अभी। अल्लाह उसकी आंखों में आंसू आ गए, फरमाया ला मेरे डंडा दे। वो ही डंडा पकड़ा और बादशाह के जिसम पर मार कर कहा खून देश नहीं वो आपके कदमों पे गिर गया। आपने फरमाया बेटा ये डंडे का कमाल नहीं, ये समझदार कमाल। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम हजरत बाबा फरीदुद्दीन बड़े शकर रहमतुल्लाह अलैह आ रहे, आपके पास एक मुरीद ने 12 साल गुजारे, बड़ी खिदमत की। तो एक दिन कमरे से कुछ चीज निकालनी थी तो उसने कहा बाबा जी आज चाबी गुम हो गई, ये चाबी नहीं मिल रही, तो ताला कैसे खोलू, तोड़ दो। तो मैं तोड़ना क्यों है? आपने कुछ भी पढ़ के ना थूक मारी, ताला खोल दिया। वो मुरीद कहने लगा 12 साल हो गए इस पंजाब में रात रहा के मैं, और सारा कमाल तो कुल है, ये आज तक इन्होंने मुझे बताया ही नहीं कि कुल में इतनी बरकत है। वो भाग गया अपने गांव में जाकर उसने कहा भाई बड़े से बड़ा ताला लाओ मैं दम करके खोलूंगा। जज जिम्मेदार थे, उन्होंने बहुत बड़ा ताला मंगाया, हां भाई खोल। उसने गुसल किया, वजू किया, बड़ी अच्छी तरह बन सवर के बड़े नाग नखरे से आज पीरी चल उठे कुलशरीफ पर के मारे फूल ताला भी तो खुल ले। गांव वालों ने बड़ा मारा, तुमने सबको परेशान किया। वो रोता रोता बाबा जी के पास आ गया, रोकर कहने लगा पीर जी आपने कुल पर के दम किया ताला खुल गया, मैंने कई मरतबा पुल पड़ी, कई तस्बीहें पर डाली, वजू भी किया, गुसल भी किया, दम करता रहा ताला नहीं खुला। फरीद की आंखों में आंसू आ गए, फरमाया बेटा कलाम रबानी हो तो जुबान भी फरीद आनी चाहिए। तकबीर रिसाला मेराज उन नबी जिंदाबाद, अहले सुन्नत जिंदाबाद। मुझे एक आदमी कहने लगा ये पीरों के पास जाते हैं दम कराते हैं, पीर फूक मारते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ के कुल शरीफ पढ़ के बस वैसे ही आदमी ठीक हो जाता है तो वो पीरों की गुड्डी चढ़ जाती है, वरना मेरा बच्चा बीमार हुआ मैंने तो बड़ा दम किया कुल शरीफ पढ़ के, आराम नहीं है। मैंने कहा कमाल तो है कुल शरीफ का, मगर उसके लिए कुछ खास मुंह अल्लाह ने बनाया, सुभान अल्लाह, दुरूद शरीफ का कमाल है। मैंने उसको मिसाल दी, मैंने कहा ईमान से बताओ ये जो एलजी का कारतूस है
इसका कमाल क्या है, ये आदमी को मार देता है, जानवर को मारे मार देता है। और एलजी का कारतूस ये 10-15 रुपए का हो गया, और बंदूक कितने की आती है, 2000 की, 4000 की, 5000 की। तो ईमान से बताएं कि कारतूस मारता है या बंदूक मारती है? कारतूस मारता है ना। तो आदमी सोचे ये 15 रुपए का कारतूस है और बंदा मारना है तो मारना कारतूस में है, तो 2-4 हजार रुपए बंदूक पे तू खर्च करने हो, एक ही नाली में रख के पीछे से ठोकर रोगला तो मरेगा कि पता नहीं मरेगा, अपना बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो कारतूस के कमाल का इनकार तो नहीं, मगर वो अपना कमाल तब दिखाएगा जब बंदूक की साफ नाली से गुजरेगा। खुदा के कलाम का बड़ा असर है, मगर कमाल तब दिखाएगा जब मेरे अली की जुबान से निकलेगा, जब रोशे जमी की जुबान से निकलेगा, जब दाता अली की जुबान से निकलेगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम की हाथ में आशा, वो आशा का कमाल नहीं, अल्लाह फरमाता है हमने उन्हें यह निशानियां अदा की, सुभान अल्लाह, नौ निशानियां। अपना हाथ अपनी बगल में दबा के बाहर निकालते हैं, चांद की तरह चमकता है, सुभान अल्लाह। मगर अल्लाह फरमाता है ये सब शामें हमने दी, ईसा अलैहिस्सलाम। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने कौम के सामने तकरीर की, अल्लाह का पैगंबर तकरीर कर रहा है, फरमाया लोगो हमी अहलो को लखुम मिनती ने मैं तुम्हारे लिए मट्टी से परिंदे की मूरत बनाता हूं, फनफोखो भी है, फिर उसमें दम करता हूं, दम करता हूं, जब तक दम नहीं होता वो बुत का बुत रहता है, जब मेरा दम हो जाता है मैं भूख मार देता हूं, फनफोखो भी है, फयकूनो फयम बिदनी जब मैं दम कर देता हूं वो अल्लाह के इज़्ज़त से परिंदा बन के उठता है। हैरान होता हूं, मौलवी कहते हैं कोई नबी वली मक्खी नहीं बना सकता, तो मक्खियों का आचार पाने नबिया ने मक्खी बनाए थे, परिंदे बना के उड़ाते हैं। और सुनो फरमाया था पर वल अब रहा मादर दादों को आंखें देता हूं, बस वाले मरीजों की मरीज को दूर करता हूं, वह उसकी नौता अल्लाह के इज़्ज़त से मुर्दे जिंदा करता हूं। और पांचवी बात तुम बीमार का कोलूना व माता का खेलूना जो कुछ खा के आते हो उसकी खबर भी देता हूं, जो घर में छुपा के आते हो उसकी खबर भी देता हूं। इतनी शाने हैं मगर लेकर आए अल्लाह, और कमली वाले खुद मौजदा बन गए। मैंने पहली तकरीर में भी अर्ज किया था मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करते हैं, या अल्लाह मुझे अपना आप दिखा, और अल्लाह ने कहा लम तरानी तू नहीं देख सकते। अब कुरान करीम में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ भी मिलती है, और पहले जुमले मूसा अलैहिस्सलाम के और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की एक से है। मूसा अलैहिस्सलाम भी कहते हैं रब्बे अरिनी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी कहते हैं रब्बे अरिनी, वो भी कहते हैं मुझे दिखा, ये भी कहते हैं मुझे दिखा, मगर मूसा अलैहिस्सलाम की आगे वाली दुआ और है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ और है। मूसा कलीम कहते हैं मुझे अपना आप दिखा, मैं तेरी जात को देखना चाहता हूं, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं कैफ़ तुहयी अल-मौत, मैं जात नहीं देखना चाहता, मैं तेरी सिफात देखना चाहता हूं, तू मुर्दों को कैसे जिंदा करेगा। अल्लाह मैं चाहता हूं थोड़ा सा आपको कुरान सुनाऊं, वैसे तो मैं चिश्ती हूं, मेरे अंदर तो शेरों की फैक्ट्री है, मगर मैं चाहता हूं दुबई में तकरीर कर रहा हूं ना, कोई बात नहीं है ना, मैं बरेलियों को कुरान नहीं आता, बेटा आता ही हमें
قرآن کی ایک آیت پر قرآن والے کے عشق میں ڈوب کے پڑے ڈوب جائے مصطفیٰ کے پیار میں سبحان اللہ قربان جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں رب العالمین کیا سب تو ہی الموت ہوں یا اللہ مجھے دکھا میں دیکھنا چاہتا ہوں تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. موسیٰ علیہ السلام سے کہا من تمہیں تو نہیں دیکھ سکتا کیوں تو صفات کا مظہر ہے اور ذات دیکھنا چاہتا ہے جو صفات کا مظہر ہو وہ صفات دیکھ سکتا ہے ذات نہیں دیکھ سکتا ذات وہ ہی دیکھ سکتا ہے جو ذات کا مظہر ہو. ابراہیم تو نے ذات دیکھنے کی دعا نہیں کی تو صفت دیکھنا چاہتا ہے مگر یہ بتا قال ابا لم تؤمن اے میرے خلیل کیا تیرا ایمان نہیں کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں سبحان اللہ اس بات پہ تیرا ایمان نہیں ہے. اب دیکھیے اللہ کے پیغمبر میں کیا ہے سبحان اللہ عرض کرتے ہیں قال بلا یا اللہ میرا ایمان ہے عقیدہ ہے تو قادر ہے قدیر ہے تو جو چاہے کر سکتا ہے پر بلا کلے میں قلبی سبحان اللہ میں دل کے اطمینان کر لو یا دین کا سایہ. اے ابراہیم چار پرندے پکڑے چار ان کو دبا کر ان کے جسموں کو اکٹھا کر کے قیمہ بنا دے ہڈیاں بھی گوشت بھی پر بھی قیمہ بنا دے وہ قیمہ مختلف پہاڑیوں پہ بکھیر دے ان کے سر اپنے پاس رکھ آپ میدان میں کھڑا ہو جاؤ سما دو ہمنا پھر ان کو بلا کن کو جو مرے ہوئے کن کو آواز دے جو قیمہ بنے ہوئے ہیں کن کو آواز دے جو پہاڑیوں پہ بکھرے ہوئے ہیں ہاں مردے سنتے نہیں سنتے نہیں تھی اللہ ایویں آواز ڈیمانڈ دے کیا خدا نے مذاق کیا تھا ہم تو جن کو آواز دیتے ہیں وہ قبروں میں بھی زندہ ہیں خدا سنانا چاہے تو بکھرے ہوئے مردوں کو بھی سنا دیتا ہے. پکڑ بھی تو مار بھی تو قیمہ بھی تو کر پہاڑوں پہ بھی تو بکھیر اور آواز بھی تو دے سبحان اللہ اور جن کو آواز دے تو بکھرے ہوئے ہیں قیمہ بنے ہوئے ہیں اور سر اپنے پاس آتا ہے سنا کس سے جاتا ہے کان سے اور کان کہاں ہوتا ہے سر میں کان میں تو سر تو پاس ہے دیکھا جاتا ہے آنکھوں سے اور آنکھیں ہوتی ہیں سر میں اور سر تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہے سمجھا جاتا ہے دماغ سے اور دماغ ہوتا ہے سر میں تو سر تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہے. قدرت نے کہا ان کو آواز دے جن کے سمجھنے کے لیے دماغ نہیں ہے جن کے پاس سننے کے لیے کان نہیں ہے جن کے پاس دیکھنے کی آنکھیں نہیں ہیں تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے خدا قادر ہے جب وہ سنانا چاہے تو کوئی کانوں کا محتاج نہیں رہتا کوئی سمجھانا چاہے تو دماغ کا محتاج نہیں رہتا دکھانا چاہے تو کوئی آنکھوں کا محتاج نہیں رہتا. تکبیر سن دوں یا دین کا سایہ. ابراہیم علیہ السلام نے قیمہ کر کے مختلف پہاڑوں پہ رکھ دیا میدان میں کھڑے ہو گئے آواز دے کر کہتے ہو اے کبوتر آ جا اور مرغ آ جا اور مور آ جا کبے آ جا بوٹیاں علیحدہ علیحدہ ہو گئی ہڈیاں علیحدہ علیحدہ ہو گئی پھر آپس میں جڑ گئی جسم تیار ہو گئے سر ساتھ کوئی نہیں اپنے پاؤں پہ دوڑ تیار ہے سر ابراہیم علیہ السلام کے پاس پڑے کوئی پرندہ یہ مغالطہ نہیں کھا رہا کہ کبوتر کا جسم مرغ کے سر کے ساتھ لگ جائے نہیں نہیں ہر
अल्लाह सुभान बोलो इसलिए कि जिनस जिनस को पहचानती है बोलो जिनस जिनस को पहचानती है। ये मकनतीस होता है ना मकनतीस, इसके सामने आप सोने की सुई रख देना ये नहीं चिमटे, चांदी की सुई रख दे गरीब नहीं जाएगा, लोहे की सुई हो जिंजाल लगा हो सामने करते जाएंगे ये चिमक जाएगा। मैंने मकनातीस से कहा सोना बड़ा महंगा है बड़ा चमक रहा है चांदी की धमक देखो तू करीब क्यों नहीं गया क्यों नहीं जब ही डालता। उसने कहा मैं वो नहीं के चमके देख के भूल जाऊं, मैं अपना बेगाना पहचानता हूं, मैं अपना बेगाना पहचानता हूं, मुझे खुदा ने ये अकल दी है सोना क्या है चांदी क्या है युवा क्या है मैं अपनी जिंस को पहचानता हूं। खुदा के लिए इंसाफ करो, अगर मकनातीस लोहे को पहचान सकता है तो क्या नबी अपनी उम्मत को नहीं पहचान सकता। हाँ फरियाद उम्मती जो करे हालदार में फरियाद उम्मती जो करे हालदार में मुमकिन नहीं के करे बशर को खबर न हो। सारे नबी ये मौजदे लेकर आए और हजूर मौजदा और हजूर के तमाम मौजदात से बड़ा मौजदा मेरा था और ये भी मौजदात का मजमूआ। इमाम अल-अंबिया सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के मेहमान बन के जा रहे हैं, मस्जिद अक्सा में पहुंचे और नबियों को नमाज पढ़ाई। वो जो पहले आए थे वो सारे पीछे सुभान अल्लाह, जो पीछे आया ये सबसे सुभान अल्लाह। और एक बात बताऊं, सरकार की जिंदगी में दो रहते हैं बड़ी अजीब है, एक मेराज वाली रात और एक हिजरत वाली रात। सुभान अल्लाह, एक मेराज वाली रात और एक हिजरत वाली रात। दुबई में बसने वालों, जब मैं मेराज की रात पर नजर डालता हूं तो फरिश्तों का सरदार कमली वाले के दरवाजे पर नजर आता है, जब मैं हिजरत वाली रात पर नजर डालता हूं तो नबियों का सरदार सिद्दीक के दरवाजे पर नजर आता है। अल्लाह कमली वाला सिद्दीक के दरवाजे पे, तो एक वक्त आया कि जिब्राइल ने रसूल को बाजू से पकड़ा और मुसल्ले पे खड़ा कर दिया, नबियों का इमाम बना डाला। और उधर मदीना बाग है, मस्जिद नबी है, कुमली वाले बीमार हैं, सहाबा कहते हैं आका नमाज के लिए नमाज इकट्ठे हो गए, हजूर ने फरमाया जाओ जो बकर को कहो मुसल्ले पे सुभान अल्लाह। जिसे जिब्राइल मुसल्ला दे वो नबियों का इमाम, और जिसे कमली वाला मुसल्ला दे वो सारी उम्मत का इमाम। और एक तीसरी बात की कर दू, हजूर की जिंदगी के तवील सफर दो ही है, एक मेराज वाला एक हिजरत वाला, एक सफर मेराज एक सफर हिजरत। सुभान अल्लाह, मैं 1,00,000 दिरहम इनाम दूंगा मुझे कोई ज़ईफ रिवायत दिखा दे कि इन दोनों सफरों में हजूर ने बिस्तर उठाया। मैंने आलम समराज में कहा यार सुल्ला इतना लंबा सफर, चलो मेराज की रात तो सोना नहीं था और आप जा रहे हैं, लेकिन हिजरत वाली रात तो रास्ते में कई रातें आएंगी। फरमाया तूने देखा नहीं कि मैंने अपना बिस्तर हैदर किरार को दिया है, सुभान अल्लाह, अली को दिया है ताकि कियामत तक उम्मत के लिए सनद बन जाए। बिस्तर उठाना मेरी सनद नहीं, दोस्तों को बिछा के देना मेरी सनद। अरे अरे निशान इसमें महाराज नबी जिंदाबाद सुन्नत जिंदाबाद। इमाम अल-अंबिया सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियों पर नमाज पढ़ाई,
फारिग हुए, हजूर मिंबर पे बैठ गए, जिब्राइल खड़े, ऐ नबियो ऐ रसूलो ऐ मलाइका की नमाज, ये पहली मेराज नबी कॉन्फ्रेंस हो रही है। इस कॉन्फ्रेंस की सदारत खुद मेराज वाला कर रहा है। इस कॉन्फ्रेंस में खिताब करने के लिए बड़े बड़े जलील कदर अंबिया मौजूद हैं। ऐ मलाइका ऐ नबी रसूलो आपके सामने हम उन बशर जनाब आदम अलैहिस्सलाम आएगी। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम खड़े हो गए, अल्लाह की हमद बयान की, अल्लाह ताला ने मुझे अबुल बश्र बनाया, खुदा ने मुझे नबूवत अता की, नबी करीम को मेराज की मुबारक दी। इब्राहिम कहते हैं नबी रसूलो अब आपके सामने जनाब नूह अलैहिस्सलाम आएंगे। सैयदना नूह अलैहिस्सलाम आए, सारे नबी जमा, अल्लाह के प्यारे नबी आदम सानी जनाब नूह अलैहिस्सलाम ने तकरीर की, अल्लाह की हमद बयान की, नबी करीम को मेराज की मुबारक। वक्त गुजरता गया, हर नबी खुदा की हमद बयान करने के बाद हजूर को मेराज की मुबारक देता है। मजमे में हलचल मच गई, ऐ नबियों ऐ रसूलों अब आपके सामने ताजदार मिसर हसीनों का बादशाह याकूब अलैहिस्सलाम के लखते जिगर जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम आ रहे हैं। सुभानअल्लाह, अल्लाह ताला ने 9 हिस्से हुस्न पैदा किया, 10 हिस्से सारा हुस्न पैदा किया और एक हिस्सा पूरी दुनिया में तकसीम किया और 9 हिस्से सिर्फ यूसुफ अलैहिस्सलाम पे लगा दिया। सुभानअल्लाह, एक हिस्सा पूरी दुनिया में तकसीम किया और 9 हिस्से सिर्फ हजरत यूसुफ पे लगा दिए। सुभानअल्लाह, सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम खड़े हुए, हसीनों के अंदाज भी बड़े अजीब होते हैं। अल्लाह की हमद बयान की, इमामुल अंबिया सरवरे आलम के चेहरे को देखकर कहने लगे कमली वाले आका आज की रात आपको ये सफर मेराज मुबारक हो। इमामुल अंबिया ने मुस्कुरा के जनाब यूसुफ को देखा, फरमाया मुझे मेराज मुबारक हो, तुझे हुसन मुबारक हो। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए, रोकर कहते हैं आका आपने बिल्कुल ठीक कहा है, बेशक हुस्न ज्यादा मेरा ते कुल जहाना नानो पर नहीं ज्यादा कीमत मेरी तेरिया जुल्फाना ज्यादा मेरा ते कुल जहाना नानो पर नहीं ज्यादा कीमत मेरी तेरिया जुल्फां नानो। आका अल्लाह ने मुझे हुसन दाव दिया मगर कभी मेरे हुसन की कसम नहीं उठाई, हुसन तो आपका है। जब कंगी करते हैं अल्लाह फरमाते हैं मत दुहा इदा सदा, हुसन तो आपका है अल्लाह फरमाता है ताहा, हसीन तो आप है आप मुस्कुराए, अल्लाह कहता है यासी आप कमली हो रहे, अल्लाह कहता है या अय्युहल मुज़म्मिल, हुसन तो आपका है। आप चादर हो रहे, अल्लाह कहता है या अय्युहल मुद्दसिर, आपका हुसन अल्लाह ने मुझे दाव दिया मगर कभी मेरी कसमें नहीं उठाई, हसीनों का बादशाह तो तू है जिन गलियों से गुजर जाता है। अल्लाह फरमाता है ला उसे सुभानअल्लाह, कमली वाले
मुझे उस शहर की कसम, उन गलियों की कसम जिन गलियों में तेरी तलियां लगती हैं। किसी आयत पे तबसरा किया बोलने के हजूर ख्वाजा मेहर अली रहमतुल्लाह ताला फरमाती है उन गलियां भी, उन गलियां भी, उन थावां भी खावे कसम खुदा शान। देखो कमली वाला गुजर जाता है, अल्लाह फरमाता है सजना जिन गलियों से तू गुजरता है तू तो गुजर जाता है, मैं वो गलियां देखता रहता हूँ। लोगों ने उनकी शान समझी नहीं, हजरत नमाज पढ़ा रहे थे, साहबा पीछे थे, मुसल्ले पे कमली वाला था, मुंह बैतुल मक़द्दस की तरफ था, मस्जिद शाह की तरफ, नमाज पढ़ाते पढ़ाते रसूलुल्लाह के दिल में ख्याल आता है कि क़िबला बदल जाए, आसमान की तरफ देखो, बार बार ऊपर देख रहे हैं, जो नबी हमें कहता है नमाज पढ़ते दाएं बाएं ना देखो, वो खुद नमाज में बार बार यूं देखता है, हम देखे तो नमाज टूट जाए, नबी देखे तो नमाज जुड़ जाए, दिल में ख्याल है क़िबला तब्दील हो जाए। अब सुनिए कुरान, अल्लाह फरमाता है जिब्रील अभी जाओ, देर न कर, मेरा यार नमाज पढ़ाते पढ़ाते ऊपर देख रहा है, जाके कह दे अब नरा तकल्लुबा वजहे का फिस समाए, हबीब तेरा बार बार आसमान की तरफ देखना मैं देख रहा हूं, तद नरा तकल्लुबा वजहे का फिस समाए, तेरा देखना मैं देख रहा हूं, हबीब ये न सोचना कि मैं देखता हूं पता नहीं अल्लाह मेरी तरफ देखता है कि नहीं, सजना जब तेरी आंखें मेरी तरफ है तो मेरी नजरें भी तेरी तरफ है। यार की हद नहीं, कब नरा तकल्लुबा वजहे का फिस समाए, तेरा बार बार आसमान की तरफ देखना हम देख रहे हैं, ऐ मेरे बाबू तू तो इस शान वाला है, फहिन्न का ब्याह जो नहीं ना, तू तो हर वक्त हमारी नजरों में रहता है, मेरे बाबू तो हर वक्त हमारी नजरों में रहता है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हमने तो कभी नजरें तुमसे नहीं खेली, अल्लाह अल्लाह इन्ना का ब्याह ये देना बद नरा तल्लोबा वजहे का फिस समाए, बार बार आसमान की तरफ देखना हम देख रहे हैं, बाकी रही किबले की तब्दीली के बाद, फलन वल्ले यन्ना का किबलतन तरदा, कमली वाले जिधर तेरी मर्जी है अल्लाह हम उधर फेर देंगे, जिधर तेरी मर्जी है हमें किबले से नहीं, हमने तो सजदे कराने हैं, जिधर कोई सजदा करे उधर मैं हूं, कायनात के जरे जरे में मैं हूं, कोई उधर सजदा करे मुझे ही सजदा है, कोई उधर करे मुझे ही सजदा है, मुझे तब्दीली या किबला से कोई मतलब नहीं, मैं तो तुझे खुश करना चाहता हूं, फलन वल्ले जन्ना का किबला तरदा, अन करीब हम तुम्हें किबले की तरफ फेर देंगे, साथ ही अल्लाह ने कहा सजना फेर देंगे क्या, तो बल्ले का जहां का सतरल मस्जिद हराम, ये वादा क्या हुआ अभी से मुंह फेर ले वही किबला हो गया, पहले कहते हैं फल
लनुवल्लेयन्ना का किदला तन तरदा हो जिधर तेरी मर्जी आए उधर ही फेर देंगे। फिर ख्याल आया कोई ये न कहे अल्लाह ने वादा किया है इतना जल्दी फेरा तो नहीं, पर परवरदिगार आलम ने साथ ही कहा सजना फेर देंगे क्या तो वल्ले वजह का जल मुंह फेर ले है। ये बड़ा अच्छा हुआ, एक प्यार वाली बात आगे आपको सुनाऊं। बड़ा जमाना मेरा इब्तदाई दौर था, आज से 18-20 वर्ष पहले की बात होगी। रहीम यार खान खानपुर कटोरा मिलाद नबी कॉन्फ्रेंस की 5 रोजा, तो जोहर की नमाज के बाद मेरी तहरीर थी और मगरब ईशा के बाद खतीब पाकिस्तान मौलाना मोहम्मद शफीक रहमतुल्लाह गुस्सा ने इतना था, हजारों का इतना, तो मैं तहरीर कर रहा था तो यही मैंने आयत पढ़ी। 400 उलमा से कई को बैठे थे, बड़ा अजीब शान प्रोग्राम होता है खानपुर कटोरा में, तो यही आयत मैंने पढ़ी। एक बूढ़ा आदमी सफेद दाढ़ी वाला कमजोर सा, वो मजमा चीरता चीरता जल्दी जल्दी से स्टेज के करीब आ रहा था। मैंने कहा खुदा खैर करे, पता नहीं क्यों कौन है क्या करने आ रहा है। वो स्टेज के करीब आकर कहता है मौलवी साहब आज फिर पढ़ो, तर्जमा मैं कराऊंगा। मैंने कहा बाबा जी मैंने मुकदमा गलत किया है, आप करें। कल अगर तू मौलवी है तूने अपने रंग में किया, मेरा भी तो सुन। बाबे के चेहरे ने बता दिया बाबा अपना है, आके बता रही थी नबी ये पाक की मोहब्बत में छलकती है। मैंने कहा बाबा मैं फिर आज पढ़ता हूँ, बार बार पढ़ूंगा, कल पढ़ जमा कहना, कहने लगा पढ़ कुरान। मैंने फिर आज पढ़ी कद नरा कल लोगा वजह का किस समाए फलन वल्ले जन्ना का किबला तन तरदा की आंखों में आंसू आ गए, रो कर कहने लगा तू मौलवी है, तूने किताबें पढ़ी हैं, तूने मदरसों में पढ़ा है, तूने अपने दौर के मुताबिक तर्जमा किया है, उम्मती मैं भी रसूल कहूं, मैंने अपने दौर के मुताबिक तर्जमा किया है। मैंने कहा बताओ, रो कर कहने लगा पानी जोर दिता पानी रोर दिता एक तेरे ये खड़ते रब किबला मोड़ दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे राजो नबी, नारे अहले सुन्नत, एक तेरे लेखन ते रब किबला मोड़ दिता। मैंने कहा बाबा तू तो बड़े दर्द वाला, बाबा कोई और बात सुना। कहने लगा मैं जाहिर हूं पढ़ा लिखा नहीं, मगर उम्मत ही तो मदीने वाले का हूं, मैं भी हजूर का मिलाद पढ़ता हूं। मैंने कहा तू कैसे पढ़ता है, रो कर कहने लगा जब बारह रबी उल अव्वल आती है मैं अपने कमरे में वजू करके मुसल्ले पे खड़ा हो जाता हूं, रो कर कहता हूं दर्जन दबियों का, दर्जन दबियों का अर्श ते तुम पै गई आया सरवर नबिया। मोहब्बत अल्फाज मिटाई नहीं जाती, ये वो नाजुक हकीकत है जो समझाई नहीं जाती। अल्लाह अकबर दो निकलाना और कर रहा था जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा आका असीम तो आप हैं, कभी आपकी जल्दों की कसम है अल्लाह अल्लाह, कभी आपकी उम्र की कसम है, कभी गलियों की कसम है। फिर आखिर में सरकार ने कुछ पड़ा, हम फरमाते हैं फिर सुम और फिर मुझे ऊपर ले जाएंगे। सुभानअल्लाह, पहला आसमान दरवाजा बंद, जिब्राइल ने दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से दरबान इस्माइल नामी फरिश्ता पूछता है मन मानता कौन है तू, कहता है अना जिब्रील मैं जिब्रील हूं। उसने कहा तू तो जिब्रील है, काला मम्मा का तुम्हारे साथ कौन है। अल्लाह
جبریل نے کہا معی محمد رسول اللہ، میرے ساتھ کملی والے ہیں. اس نے دروازہ کھول کر کہا مرحبا اہلن سہلن سیدی یا رسول اللہ. حضور فرماتے ہیں چالی آسمان پہ گیا، میں نے دیکھا وہ نبی وہ ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام جو پہلی صف میں مسجد اقصا میں موجود تھے، وہ پہلے آسمان پہ کرسی پہ بیٹھے. سبحان اللہ. سلام کیا، انہوں نے بڑے پیار سے جواب دیا. جنت کی حوریں قطار اندر قطار کھڑی ہیں، آراستہ بن سمر کے آج پورے نبی کریم کو گارڈ آف آنر پیش کر رہی ہے، سلامی دے رہی ہے. امام الانبیاء جا رہے ہیں، اللہ کے مہمان ہیں، سرکار سلامی لے رہے ہیں. سلامی ختم ہوئی، پوروں کی سردار نے امام الانبیاء کے براق کی بات پکڑی اور کہنے لگی آقا بڑی دیر سے انتظار میں تھی، آپ آ گئے، بڑی مہربانی. اے سب اسرا کے دلہ، اے اللہ کے مہمان، اے اللہ کے محبوب، آج اپنے حسن کی خیرات دے دے. سبحان اللہ. حسن کی خیرات دے دے. سوالی بڑھ کے تیری بارگاہ میں آئی ہوں، میں حوروں کی سردار ہوں. امام الانبیاء سرور عالم نے فرمایا مجھے جلدی ہے، میں جا رہا ہوں واپسی پہ بات کرنا. عرض کی مہربانی، آقا حسن کی خیرات مانگی ہے. پنجابی کہندے نے تو لے آ باغ پھڑائی دے جا. تو لے کے گھوڑے کی باغیں پکڑ لی جاتی ہیں، کوئی کہتی ہے سرما لوائی دے، کوئی کہتی ہے باغ پکڑائی دے. حور کہتی ہے اپنے حسن کی خیرات دے دے. امام الانبیاء نے دیکھا ساری حوریں اپنے دامن کے پھلا کے کھڑی ہو گئی، ہر ایک کی تمنا ہے مجھے بھی ملے، مجھے بھی ملے. سرکار نے ایک طرف سے دیکھنا شروع کیا، فرمایا میرے دربار کا کوئی منتا کبھی خالی نہیں آیا. اے حور کیا یاد کرے گی، کیا میں نے تجھے اپنا یار ابو بکر دے دیا. کیا یاد کرے گی کس سخی کے ساتھ واسطہ پڑا تھا، میں نے تجھے عمر دیا، جا تجھے عثمان دیا، جا تجھے علی دیا، جا تجھے حسن دیا، جا تجھے حسین دیا، جا تجھے ابو ہریرہ دیا. امام الانبیاء سرور عالم غلاموں کا نام لے لے کے انہوں میں تقسیم کر رہے تھے. انہوں کی سردار کہتی ہے میں ان کی سردار ہوں، میں سب کی لیڈر ہوں، سب کی قائد ہوں. استقبال میں سب سے بڑی تیاری تو میرے حکم کی ہوئی ہے، آقا مجھے بھی پوچھ دے، میں بھی سوالی ہوں. فرمایا کیا یاد کرے گی کس سخی سے واسطہ پڑا ہے، جا میں نے تجھے اپنا بلال دے دیا. اللہ نے فرمایا بلال دیا، پریشان ہو گئی. آقا کالا رنگ ہے، لمبے لمبے دانت، یہ میری ماتحت ہے. کسی کو ابو بکر، کسی کو عمر، کسی کو عثمان، کسی کو حسن جیسا شہزادہ، کسی کو حسین جیسا دولہا، اور میں تو سردار ہوں. یہ کالے رنگ والا حبشی بلال میرے لیے رہ گیا تھا. امام الانبیاء نے فرمایا عوروں کی سردار اپنے حسن پہ نخرا نہ کر، ناز نہ کر، یہ تو میں نے اپنی طرف سے کہہ دیا، اس سے تو پوچھے نہیں، پتہ نہیں پوچھوں تو تجھے پسند بھی کر کے. یہ تو میں نے کہہ دیا، اس سے تو ابھی پوچھا ہی نہیں. جب واپس آئے صبح بلال حضور کی خدمت میں آیا، سرکار نے فرمایا بلال آج میں رات رب کا مہمان تھا، آقا مبارک ہو. فرمایا حوروں نے بڑا استقبال کیا تھا، حوروں کی سردار نے حسن کی خیرات مانگی تھی، تو بلال میں نے کہا میں نے تجھے بلال دیا. ٹھیک ہے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، پگڑی اتار کے گلے میں ڈالی، حضور کے قدموں پہ گر کر کہتا ہے آپ مالک ہیں، اگر فیصلہ کر کے آئے ہیں تو نوکر کیا اور نخرا کیا. اللہ اللہ. اور اگر فیصلہ میری مرضی پہ رہا تھا تو خدا کی قسم میں نے حضور کے لیے تو کانٹوں پہ لیٹنا پڑتا. میری زبان پہ آپ کی انگارے رکھے گئے، میں حضور کے لیے تو برداشت نہیں کرتا. اللہ اللہ. میرے ہاتھوں اور پاؤں میں لمبے لمبے کیل گارے گئے، پیٹ پہ پتھر رکھے گئے. ماہی اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں جنت کی کسی حور کا عاشق نہیں، میں تو تیرے نور کا عاشق. نعرہ رسالت، جشن معراج.
راج النبی. اگر آپ فیصلہ کر آئے ہیں تو مالک ہیں، اگر فیصلہ نہیں کیا تو میرا جواب یہ ہے وہ تو ایک حور ہے، جے لکھ حورا جنت وچوں مینوں دیوان آن لکھا لا، اے قسم خدا دی میں ادھر جاتا جدر کملی وا. حضور نے فرمایا پھر تیرا پیار ہے نا، تو پتا ہے میں نے کیا دیکھا؟ آقا کیا فرمایا؟ میں جنت میں ٹہل رہا تھا نا، انی سمیت ہو دفا نہ لے کا یا بلال فل جنا، بلال میں آگے آگے تیرے چلنے کی چاپ سن رہا تھا، آواز سن رہا تھا. سبحان اللہ. حضور کہنے پیار سچا ہو، محبت سچی ہو تو بات بن جایا کرتی ہے. تو میں دعا گو آپ تمام حضرات کے لیے کہ آپ نے ہر پروگرام کو کامیاب کیا، اور اللہ کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے جس خدا نے اپنے محبوب کی امبری زلفوں قسم کا حضور کے نارائن قسم کی مجھے حاجی صاحب اور آپ کی امیدوں کے پورا اترنے کی توفیق عطا کی. ورنہ میں بیمار تھا، کاشی کی نزلہ تھا، اللہ بھی ساتھ نہیں دے رہا تھا. اس کے باوجود میں آپ حضرات کو سلام کرتا ہوں کہ آپ نے میرے ٹوٹے ٹوٹے شکستہ الفاظ سنے اور مجھے انتہائی محبت دی، کیونکہ کل میرا واپسی کا پروگرام ہے اور پاکستان، اور پھر پاکستان سے بچوں کو ساتھ لے کر اگر سرکار نے کرم کر بلایا تو ان شاء اللہ حرمین شریفین کی حاضری، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ السلام پڑھنے کے لیے حاضری ہوگی. حضور کرم کر دیں گے تو غلام کو عمرہ بھی کرا دیں گے. تو یہ میرے لیے دعا کریں، خدا نے چاہا زندگی میں کبھی پھر ملاقات ہوئی تو انشاءاللہ پھر سرکار کی باتیں کریں گے. پروردگار عالم آپ کی آمد محبت خلوص قبول منظور فرمائے. میں اپنے تمام دوستوں، کیونکہ بے شمار دوست ہیں جن کے نام میرے ذہن میں نہیں مگر میں ان کے چہرے پہچانتا ہوں، سب کے لیے دعا ہوں، اور خصوصاً جناب حاجی نظر محمد صاحب، حاجی غلام صاحب صاحب، حاجی عبد الرحمان صاحب، اور ان کے دیگر جتنے وفقا ہیں، عزت ماں جناب حاجی محمد اقبال صاحب، یہ وہ کرم فرما ہے کہ